तो भाई ये पूरा कॉफी कॉफी है यहाँ पर। ये भी सबसे पहले मेरे को कुछ खाना है। सुबह बस मैंने ब्रेकफास्ट में केले खाए थे। सुबह 4 बजे उठा था, रेडी होके नहा के मैं निकल गया था 6 बजे गुरुद्वारे से, और फिर उसके बाद स्टेशन पे मैंने केले ले लिए थे, केले खा लिए। फिर अभी भूख लग रही है काफ़ी तेज, पहले कुछ खाता हूँ फिर घूमते हैं। रेलवे स्टेशन के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है। मैंने वहाँ देखा कि खाना कुछ खाते पीते हैं, एक ढाबा सा था वो भी उसमें ख़त्म हो चुका था खाना। कौन कौन सी जगह? इधर 3 जगह है, रायपुर में जाऊँ गार्डन और कॉफी हाउस तक है। आप लोग को बोरा देखने के लिए तो जाने के लिए 3 स्पॉट देखेंगे, कालीगुंडा ई पॉइंट, कॉफी प्लांटेशन, आनंदगिरी वाटर पॉइंट, बोरा के। अब कितना दिन भाई? एक लिए दो लोग शेयरिंग करा हुआ। अराउंड 60 किलोमीटर है मैंने देखा था। कौन रिजर्वर नहीं जानते आप? छतापोड़ी रिजर्वर कुछ है, आप जानते हो कि नहीं जानते? बोलिए हाथीपुड़ी। में जब आप आते हैं तो यहाँ खाने की काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एक्चुअली यहाँ पर आपको वेज खाना बहुत मुश्किल से मिलेगा। वेज तो आपको मिलेगा बट वो वेज नॉन वेज सब साथ में ही बनाते हैं, ऐसा कुछ आपको अलग से बना के नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, बोर्ड तो यहाँ पे ऐसे लगा रखे हैं इन्होंने कि क्या क्या खाना मिलता है इनके पास, और होता किसी के पास कुछ नहीं। जिसके पास जाते हैं नहीं है भैया ख़त्म हो गया, जिसके पास जाते हैं नहीं है ख़त्म हो गया। और ये है कुछ अरकू, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन के पास भी मेरे को कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला, एक छोटा सा ढाबा सा मिला, वहाँ पे गया, वहाँ पे खाना ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल मैंने ये एक दूध की थैली ली है, अब इसको पीता हूँ। बाकी आपको नॉन वेज में थोड़े बहुत ऑप्शन मिल सकते हैं, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ट्राइबल म्यूज़ियम मैंने घूम लिया। ट्राइबल म्यूज़ियम में आपको ट्राइबल्स के स्टैचूज मिलेंगे, ट्राइबल डांस देखने को मिलेगा, पर ट्राइबल डांस एक्चुअली मैं देख नहीं पाया क्योंकि वो 6 PM होता है, 6 बजे होता है शाम को, तो ट्राइबल डांस तो मैं देख नहीं पाया। बट यहाँ बोटिंग वगैरह होती है, बोटिंग के अलावा और भी यहाँ पर गेम खेले जाते हैं, सारे पेडेबल है एक्चुअली, सबकी आपको पैसे देने पड़ेंगे गेम खेलने के लिए। बाकी गेम यहाँ बहुत तरह के हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लाइंबिंग वॉल, अडल्ट की 50 रुपये की टिकट है ट्राइबल म्यूज़ियम की, और चाइल्ड की 25 रुपीज़ की है। बाकी यहाँ पर और कुछ ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल स्टैचू हैं, और यहाँ गेम आप तरह तरह के खेल सकते हैं, ट्राइबल डांस होता है। ट्राइबल डांस आपको 6 बजे मिलेगा शाम को देखने के लिए, मैंने तो देखा नहीं क्योंकि अभी मेरे को और भी घूमना है शाम को। मैं मेरा प्लान है कि मैं आज रात को यहाँ पर रुकने नहीं वाला एक्चुअली, मैं निकलूँगा आगे के लिए। आपको खाने की अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी एक्चुअली कुछ अभी तक खाया नहीं, सिर्फ एक दूध की थैली ले ली थी सुबह मॉर्निंग में, मैंने केले ले लिए थे स्टेशन से, वो खा लिए, एक दूध की थैली ले ली यहाँ पर वो पी ली। दूध की थैली इस वजह से लेनी पड़ी क्योंकि यहाँ मेरे को एक्चुअली वेज के लिए देख रहा था, मैं वेज मिल तो रहा था बट सारा वेज नॉन वेज एक ही जगह बन रहा था, तो प्योर वेज था नहीं एक्चुअली यहाँ पर। और छोटा सा गाँव है एक्चुअली, ये विलेज टाइप है।
में कोई शेयरिंग का सिस्टम तो है नहीं एक्चुअली। अगर आपको ऑटो से यहाँ घूमना है आसपास तो शेयरिंग नहीं कर सकते, आपको पूरा रिजर्व करना पड़ेगा। बाकी टैक्सियाँ वगैरह है वो भी रिजर्व चलती हैं, और बस वगैरह इतनी है नहीं। हम एक्चुअली दो जने हैं भैया। आपका नाम है? भूल गया। मेरा नाम शशांक है। शशांक वैसा शशांक भाई है। हेलो भाई है। भैया भी अकेले ही आए हैं एक्चुअली यहाँ पर घूमने, विशाखापट्टनम से भैया भी अकेले ही आए हैं और हम साथ में ही मिल गए। तो हम दोनों ने मिलकर शेयर ऑटो लिया है। ऑटो का जो प्राइस है एक्चुअली 2500 रुपये है, 2500 रुपीज़ का हमने रिजर्व किया है दोनों हाफ हाफ बांटने के बाद में। और अभी हम जा रहे हैं भोरा कैब के लिए और ताड़ीपुरी रिजर्व आया। बाकी जो यहाँ का मेन रोड साइड व्यू है ना वो बहुत बेहतरीन है। और बाकी इतना ट्राइबल म्यूज़ियम देख लिया, इतना कुछ वो नहीं था उसमें एक्चुअली, बस ठीक है म्यूज़ियम है। वैसे भी मेरे को म्यूज़ियम देखने में इतना इंटरेस्ट है नहीं, बट यहाँ की जो नेचर ब्यूटी है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, उसका नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल। जो अरकू की घाटियाँ हैं रियली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी हम रोड पे चल रहे हैं बीच में और यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं ना बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ आ रहे हैं एक्चुअली। अभी यहाँ से रिजर्वायर एक्चुअली 60 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ से उसे अलग डायरेक्शन में पड़ता है 17 किलोमीटर भोरा केव। अलग डायरेक्शन में पड़ता है भैया? हाँ अलग डायरेक्शन में पड़ता है, अपोजिट जाना पड़ेगा, उसके अपोजिट जाना पड़ेगा हमें भोरा केव, 17 किलोमीटर पड़ता है। और फिर वहीं से ही हम अपनी ट्रेन वापसी लेंगे विशाखापट्टनम के लिए। और बाकी बीच में कॉफ़ी प्लांटेशन भी पड़ता है, वो भी देखते हैं टाइम मिलता है तो घूमते हैं, वरना फिर यहाँ रोड पे ही घूमना है एक्चुअली। घूमना तो घूमना, क्योंकि यहाँ का मेन जो घाटियाँ हैं अरकू की वही है एक्चुअली खूबसूरती यहाँ की एक्चुअली। और बाकी मौसम यहाँ का विशाखापट्टनम से थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है, ह्यूमिडिटी है नहीं बिल्कुल भी, बस थोड़ी सी धूप यहाँ तेज़ है। धूप तो खैर वहाँ भी तेज़ थी, ह्यूमिडिटी नहीं है, मौसम ठंडा है। क्या नाम बताया आपने गांव का, विलेज का? सुंदरमेटा विलेज। सुंदरमेटा विलेज। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट अलूरी सीताराम नगर डिस्ट्रिक्ट। छोटा सा गांव था यहाँ पर एक्चुअली। भैया ने अभी गांव का नाम बताया मेरे से, एक्चुअली प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा वो नाम। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अरकू वैली आता है ये सीतारामा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का। बाकी व्यूज़ देखो आप। अभी यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है एक्चुअली, कॉफ़ी प्लांटेशन मेरे पीछे है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉफ़ियाँ होती है। बाकी जो ये लोकेशन है काफ़ी बहुत खूबसूरत लोकेशन है ये। इधर चलते ऊपर, अच्छा लग रहा है। अच्छा तो गाइज यहाँ की जो लोकेशन है कॉफ़ी प्लांटेशन पॉइंट है, बहुत ज़्यादा प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे अगर आते हैं तो फोटोशूट के लिए बहुत बढ़िया लोकेशन है।
थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लाइंबिंग ही क्लाइंबिंग भी करनी पड़ेगी। भैया यहाँ पे कॉफी है कहाँ पर? दिस लीव्स ओके दिस लीव्स आर हाँ यस ओके 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 कॉफी प्लांटेशन लीव्स ओके ये जो चढ़ रही है Yes, brother. Yeah. Morning, how are you? You in morning? Morning, how are you? Okay, in train. अच्छा अच्छा अच्छा. Okay. तो guys ये जगह का नाम है coffee plantation. Actually ये coffee plantation है. और यहाँ पर आप देख सकते हो. कहाँ से आओ? ये जो पेड़ पे बेल चढ़ी हुई है ना ये बेल. ये पूरी coffee है. अभी तक मेरे को नहीं पता था. But मैंने पूछा तो ये नहीं पता था कि कॉफ़ी कौन सी है इनमें से. मैंने पूछा भाई से तो अब पता लगा. बाकी अगर आप अरकू वैली आ रहे हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोई टूरिस्ट प्लेस मैं कह नहीं सकता कि है. बाकी एक म्यूज़ियम है ट्राइबल म्यूज़ियम अरकू वैली में. कुछ नहीं है बस. हाँ आप जब अरकू वैली से ओरा केव और भी जगह जाते हैं तो जो व्यू है रास्ते का वो बहुत प्यारा है. वो नेक्स्ट लेवल है एक्चुअली. और ये कॉफ़ी प्लांटेशन है ये भी बहुत सुंदर जगह है. आप घूम सकते हो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये आके. तो भाई ये पूरा कॉफ़ी है यहाँ पर. पेड़ों पे जो लिपटी हुई हैं पूरी कॉफ़ी है. कॉफ़ी के पेड़ हैं यहाँ. आप कहाँ लेके चलोगे? यहाँ पे अगर रेंट बाइक स्टार्ट हो जाए तो मजा आ जाए. साइकिल भी मिल जाए तो भी अच्छा लगेगा क्योंकि ढलान ही तो है. तब हो सकता है जब आप बाई ट्रेन आए साइकिल लेकर. ये हम पहुंच गए गलीकोंडा व्यू पॉइंट. बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है एक्चुअली. पूरा आपको नीचे के यहाँ से वैली दिखती है. ऐसे ही एक ट्रेन में से भी दिख रहा था. मेरी फोटो आएगी क्या ठीक ठाक? हाँ हाय कॉफी पाउडर कितना है ये? 120 सर. दिखाना दिखाना. How much gram? 250 grams. Smaller. खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है सर. सिंगरों का बंगरू सर. कितना दिन ओपन करना ऐसा रहेगा? फोन पे. ये कॉफी बीन्स है एक्चुअली. स्टार एनिस, साजिरा, मरट फ्लावर, मेथी, हल्दी भी. तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के मसाले भी हैं एक्चुअली. दालचीनी, लौंग, इलायची, बहुत सारे हैं. मेरे को पता भी अट्रैक्टिव है. हाँ वाओ रियली इट इज समथिंग. लग रहा है इट इज प्योर.